वीडियोबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्यो उलमा, वो सब अपनी पब्लिक गैदरिंग को अपने साथ अटैच करने के लिए, ताकि वो उन्हीं के साथ अटैच रहे, इस किस्म के हरबे लोगों को सिखाते रहते हैं। और दूसरे उलमा के बारे में ऐसी ऐसी अदबी गालियां डिवाइस की हुई है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ऐसी ऐसी अदबी गालियां, मैं 10 गालियां आपको बताता हूं जो वो अमूमन देते हैं, अदबी गालियां। नंबर 1, बद मजहब है ये मुखालफीन के लिए। नंबर 2, बद अकीदा। नंबर 3, वहाबी। नंबर 4, बिदअती। नंबर 5, मुशरिक। नंबर 6, गुस्ताख। नंबर 7, नजदी। नंबर 8, खारजी। नंबर 9, शैतान। और नंबर 10, बद अकीदा और गैर मुकल्लिद गुमराह। ये तो अदबी गालियां थी। और अगर आपने गैर अदबी और गैर अखलाकी गालियां सुननी हो तो शेख यूट्यूब हाफिज़ाहुल्लाह ताला व दामत बरकातुम आलिया, ये ज़ाहिर है यूट्यूब से हम अब इल्म हासिल कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला इसकी हक बातों को सलामत रखे और बातिल को खत्म फरमाए। आप उसके ऊपर जाके जरा उलमा की जो अगर आपने नंगी गालियां सुननी है ना, तो कोई बाजारी लोग भी इतनी मोटी और भारी गालियां उनके दिमाग में भी नहीं कभी आई हुई जो वो निकालते हैं। तो वो मैं निकालना नहीं चाहता, वो आप खुद जाके देख लें कितनी कितनी मोटी गालियां निकालते हैं, तो वो उससे देखा जा सकता है। अब ऐसे लोग जो हैं, मैं इनसे अर्ज करूंगा, क्या आपके पास दलाइल खत्म हो गए हैं जो आप गाली गलौज के ऊपर और गुमराह डिक्लेयर करने के ऊपर दूसरे मकाद में फिक्र और उनके उलमा पर उतर आते हैं, या आपको अपने फिरके के बचाने का कोई मसला लगा हुआ है, या कोई और एजेंडा है?